तो बेटा आज का अपना टॉपिक क्या है? शिरा विन्यास। और शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है और यह पत्तियों में कैसा दिखता है? तो सबसे पहले तो देखो बेटा, शिरा विन्यास किसे कहते हैं? पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए पैटर्न या डिजाइन को। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो इनने जो शिराएं हैं, इन्होंने पत्तियों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की क्या बना रखी है? डिजाइन। ये दिख रही है धूप में बेटा आपको? ये देखो कुछ डिजाइन बना रखी है। अब यह डिजाइन कितने प्रकार की होती है? तो ये शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, जिसमें जाल बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? जालीकावत। और ये देखो आप समान देख रहे हैं, लाइनें एक दूसरे के समांतर। तो इसमें डिजाइन कैसी बना रखी देखो, समांतर शिरा विन्यास किसे कहते हैं? कुछ पत्तियों में शिराएं एक दूसरे के समांतर। एक दूसरे के समांतर का मतलब समझ रहे हो बेटा? जैसे रेल की पटरियां एक दूसरे को काटती नहीं है ना, इसी प्रकार आप देखो इसमें आपको ये बारीक बारीक व्हाइट लकीरें दिख रही है और यह एक दूसरे के साथ ऊपर बढ़ते हुए, लेकिन बेटा ये कहीं भी नहीं काट रही है और जाल नहीं बना रही है। तो ऐसा आप समझो ध्यान से, ऐसा हमें किसमें देखने को मिलेगा? उदाहरण घास, मक्का, ज्वार आदि। अपन इसको अलग भी लिखेंगे, पांच ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। अब अगला देखो बेटा, जालिकावत शिरा विन्यास किसे कहते हैं? तो देखो, जब शिराएं पर्णफलक में जाल जैसी डिजाइन बनाती है, तो बेटा ये जो शिराएं हैं ये क्या बना रही है? जाल। तो ऐसा शिरा विन्यास क्या कहलाता है? जालिकावत शिरा विन्यास। कुछ पौधों के उदाहरण दीजिए जिनमें जालिकावत शिरा विन्यास। आम, नीम, पीपल की पत्ती। अगला देखो, मध्य शिरा किसे कहते हैं? अच्छा बेटा, आपको इन सब शिराओं में से एक शिरा कुछ अलग दिख रही है? ये देखो बीच वाली, और बेटा ये सबसे मोटी दिख रही है और बाकी इससे क्या दिख रही है? पतली। दूसरा बताओ, ये बीचों बीच मध्य में है कि अगल बगल में है? बीचों बीच। तो बेटा इसी वजह से तो इसका नाम क्या है? मध्य शिरा। पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा पाई जाती है। अगला देखो बेटा, ये आपके स्कूल में लग रहा है पत्थर चट्टा का पौधा, और इसमें भी बेटा देखो आपको बीच में एक बड़ी शिरा दिख रही है। हाँ सर। और इससे फिर और छोटी शिराएं निकलती है, और फिर उनसे भी और छोटी शिराएं निकलती है, और वह ऐसा जाल बना लेती, बीच में मोटी मध्य शिरा, इससे निकलने वाली और छोटी शिराएं, और इनसे निकलने वाली बारीक शिरिकाएं, और ये मिलकर पत्ती में एक क्या बना लेती है? जाल। इसी वजह से इसको बोला जाता है जालिकावत शिरा विन्यास। ओके बेटा ये क्लियर। हाँ। दूसरा देखें, कल मैंने आपको कदम की पत्ती दिखाई थी और उसकी बेटा जो कोर है वह कटी फटी नहीं थी, लेकिन आज मैं जिन पत्तियों को लेकर आया, पत्थर चट्टा बेटा देखो किनारे कट रहे हैं ना, गुड़हल, चाइना रोज, इसकी भी देखो किनारे कटे हुए एकदम ऐसे सपाट तो नहीं है ना, नहीं। और नीम, इसके भी देखो कट रहे हैं।